हे गाइस वेलकम बैक और एक नए वीडियो में। दोस्तों फाइनली मेरा Realme Narzo 60 डिवाइस में मुझे Realme UI 5.0 Android 14 का अपडेट रिसीव हो चुका है। तो गाइस अगर आपके पास Realme Narzo 60 5G वाला डिवाइस है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। Realme UI 5.0 अपडेट के बाद टोटल 30 प्लस न्यू फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो आपको Realme Narzo 60 डिवाइस में मिल जाता है। तो यार वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। लेकिन वीडियो आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया छोटा सा जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मस्ट भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ऐसी आपको इंटरेस्टिंग वीडियो Realme Narzo 60 का रिगार्डिंग मिलते रहेगा इसी चैनल में। तो गाइस जाओ अभी जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यार चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो के तरफ। दोस्तों Realme Narzo 60 5G डिवाइस में ये जो अपडेट है फाइनली मेरा डिवाइस में मुझे रिसीव हो चुका है। Realme UI 5.0 अपडेट के बाद आपको क्या कुछ चेंज देखने को मिलेगा सब कुछ आपको बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों आप सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए Realme UI 5.0 Android 14, नीचे में आप RMX नंबर भी आप चेकआउट कीजिए। RMX 3750 Realme Narzo 60 डिवाइस का RMX नंबर है और इस अपडेट के साथ जो वर्जन रोल आउट किया जा रहा है आप यहाँ पे देख लीजिए 14.00.88.EX01 और इसका जो साइज था 5.17 GB का, तो लगभग आपको 6 GB का अराउंड अपडेट का साइज है। तो आप वीडियो को देखते रहिए, मैं सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आपको क्या कुछ फीचर्स देखने को मिलेगा Realme UI 5.0 अपडेट के बाद। दोस्तों सबसे पहले चलते हैं नोटिफिकेशन पैनल की तरफ। आप यहाँ पे देख लीजिए Realme UI 5.0 का जो नोटिफिकेशन पैनल है आपको सेम टू सेम Realme UI 4.0 जैसा ही देखने को मिलेगा। इसका छोटा छोटा आइकॉन में आपको छोटा छोटा चेंज देखने को मिलेगा लेकिन उसके अलावा कुछ भी मेजर चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए ऊपर में आपको Realme से टॉर्च लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 3 डॉट देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए आपको एडिट टाइटल और मीडिया आउटपुट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, टूडे डाटा यूजेस टाइम डेट सेम टू सेम आपको वही देखने को मिल जाएगा जो Realme UI 4.0 में देखने को मिलता था, सेम टू सेम है। कुछ भी इधर आपको मेजर चेंज नहीं हुआ है नोटिफिकेशन पैनल में। बहुत सारे यूजर का एक्सपेक्ट था शायद Realme UI 5.0 का जो नोटिफिकेशन पैनल है कुछ अलग आएगा लेकिन सेम टू सेम Realme UI 4.0 जैसा ही आपको देखने को मिल रहा है Realme Narzo 60 5G डिवाइस में Realme UI 5.0 अपडेट के बाद। दोस्तों उसके बाद चलते हैं मेन सेटिंग की तरफ, एक एक करके सब कुछ देख लेते हैं। दोस्तों पहले आप देख लीजिए मेन सेटिंग का जो भी इंटरफेस है तो इसका जो शेप है यहाँ पे आपको छोटा छोटा ही चेंज देखने को मिलेगा, इतना ज्यादा मेजर चेंज आपको नहीं किया जा रहा है, जस्ट छोटा छोटा आपको माइनर चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ चेंज भी देखने को मिलेगा सेटिंग के अंदर, आप देखते रहिए वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे वाईफाई सेक्शन में, आप देख लीजिए वाईफाई सेक्शन में जो एज इट इज Realme UI 4.0 जैसा ही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद चलते हैं मोबाइल नेटवर्क सेटिंग में, आप यहाँ पे देख सकते हो मोबाइल नेटवर्क सेटिंग का भी जो इंटरफेस है आपको सेम टू सेम Realme UI 4.0 जैसे ही देखने को मिलेगा। मोर सेटिंग का ऑप्शन है, मोबाइल डाटा डाटा यूजेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों उसके बाद चलते हैं वॉलपेपर एंड स्टाइल सेक्शन की तरफ, यहाँ पे आपको एक मेजर चेंज देखने को मिलेगा AOD सेक्शन में। आप देख लीजिए इसका जो इंटरफेस है आपको कुछ इसी तरह देखने को मिलेगा जो Realme UI 4.0 का जैसा ही देखने को मिलता है लेकिन आपको चेंज देखने को मिलेगा ऑलोविजन डिस्प्ले के अंदर। मैं सिंपली यहाँ पे AOD सेक्शन में गया, आप यहाँ पे देख लीजिए नीचे में आपको सिंपली एक नया AOD सेक्शन भी देखने को मिल जाएगा कार्बन फुटप्रिंट का। ये Realme UI 5.0 के साथ लगभग सभी Realme डिवाइस में या फिर Oppo का डिवाइस में ये ऐड किया जा रहा है। आप यहाँ पे देख लीजिए कार्बन फुटप्रिंट के अंदर आपको 3 AOD यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो पहला वाला है आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा अर्थ का टाइप का देखने को मिलेगा, उसके अलावा आपको प्लांट का देखने को मिल जाएगा, उसके अलावा आपको और एक प्लांट का देखने को मिलेगा ये थोड़ा सा आपको सी बीच जैसे देखने को मिलता है। उसके साथ साथ आप इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो, जो यहाँ पे क्लॉक दिया जा रहा है उसका कलर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो और सिंपली आपको नीचे में अप्लाई का ऑप्शन है, आप अप्लाई ऑप्शन में क्लिक कर सकते हो। तो ये जो AOD है आपको Realme UI 5.0 के साथ न्यूली एड किया जा रहा है और ये जो AOD है ये भी आपको मिल जाता है Realme UI 5.0 के अंदर। यहाँ पे भी आपको कुछ न्यू AOD जरूर देखने को मिल जाएगा, टाइम भी डेट भी उसका भी आप कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हो, सिंपली अप्लाई ऑप्शन में क्लिक कर देना है, ये आपका डिवाइस के लॉक स्क्रीन में वो अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे थीम वॉलपेपर फॉन्ट आइकॉन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों फिंगरप्रिंट में आपको सेम टू सेम फिंगरप्रिंट जो मिलता है Realme UI 4.0 में वैसा ही देखने को मिलेगा लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा साउंड ऐड किया जा रहा है। आप जैसे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट यूज करते हो वहाँ पे आपको एक छोटा सा एनिमेशन और साउंड भी देखने को मिलेगा Realme UI 5.0 के साथ ऐड किया जा रहा है लेकिन न्यू फिंगरप्रिंट एनिमेशन
सेक्शन यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है। तो AOD सेक्शन में आपको छोटा सा ही चेंज देखने को मिलेगा Realme UI 5.0 अपडेट के बाद Realme Narzo 60 में। दोस्तों उसके बाद चलते हैं यहाँ पे एज लाइटिंग में। आप यहाँ पे देख सकते हो एज लाइटिंग में आपको जो था वही कलर ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे भी आपको कुछ भी न्यू फीचर्स नहीं आया है। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन की तरफ। होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन का जो इंटरफेस है आपको सेम टू सेम Realme UI 4.0 जैसा ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल ऊपर में आपको होम स्क्रीन मोड, फिर आपको देखिए होम स्क्रीन लेआउट, आइकॉन फुल डाउन, जिस्टर, नीचे में देखिए आपको ग्लैंस का ऑप्शन दिया जा रहा है। ग्लैंस ऑप्शन में आप देखिए यहाँ पे मिक्स वॉलपेपर का भी एक सेक्शन आ चुका है। आप आपका खुद का वॉलपेपर सेट कर सकते हो ग्लैंस के साथ लॉक स्क्रीन में Realme Narzo 60 डिवाइस के साथ। तो यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन है, नया लुक आपको दिया जा रहा है ग्लैंस का। तो आपको कैसा लगा आप जरूर नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताना। उसके नीचे आपको क्लॉक स्टाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो Realme UI 4.0 जैसा ही आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। उसके नीचे आपको रिसेंट टास्क मैनेजर का ऑप्शन भी ऐड किया जा रहा है। दोस्तों उसका ही नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेक्शन है। यहाँ पे भी इसका लुक आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा। नीचे में आपको फॉन्ट का ऑप्शन दिया जा रहा है, डिस्प्ले साइज का ऑप्शन दिया जा रहा है, वीडियो कलर बूस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसका ही ऊपर आपको लाइट मोड और डार्क मोड देखने को मिल जाएगा। आपको एज इट इज सेमी देखने को मिलता है Realme UI 4.0 जैसा ही। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं नोटिफिकेशन स्टेटस बार की तरफ। आप यहाँ पे देख लीजिए इसका भी इंटरफेस आपको सेम टू सेम Realme UI 4.0 जैसे ही देखने को मिलेगा। एक भी न्यू फीचर्स भी इधर ऐड नहीं किया गया है। अगर आप सोच रहे हो सेम टू सेम Realme UI 4.0 जैसे ही आपको सब कुछ देखने को मिलता है, नहीं गाइस, आगे में आपको न्यू फीचर्स भी कुछ मिलेगा। तो आप वीडियो को देखते रहिए, आगे मैं बताऊंगा आपको बहुत सारे चेंज भी हुआ है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं ऐप सेक्शन में। ऐप सेक्शन का जो भी इंटरफेस है आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। ऊपर में ऐप मैनेजमेंट, ऐप क्लोनर, डिफॉल्ट, डिसेबल, रिकवरी सिस्टम ऐप, ऑटो लॉन्चर जैसे आपको फीचर्स देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं गाइस बैटरी के सेक्शन में। आप यहाँ पे देख लीजिए बैटरी का सेक्शन का जो इंटरफेस है ये भी आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा जो Realme UI 4.0 जैसे आपको ग्राफ जैसे बैटरी यूजेस आप देख सकते हो। आपको यहाँ पे चेंज कुछ भी नहीं किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों जो आपको चेंज देखने को मिलेगा वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले इसके लिए चलते हैं फाइल मैनेजर की तरफ। दोस्तों ये रहा फाइल मैनेजर। आप यहाँ पे देख सकते हो Realme UI 5.0 अपडेट के बाद जो फाइल मैनेजर है इसका इंटरफेस भी बिल्कुल यहाँ पे चेंज हो चुका है। आपको एक नया वाला फाइल मैनेजर देखने को मिल जाएगा। आप ऊपर में देख लीजिए, ऊपर में आपको डिवाइस स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। नीचे में फोटोज, वीडियोस, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स, APK ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे Realme Share का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, डाउनलोड, ब्लूटूथ, प्राइवेट सेव और रिसेंट डिलीटेड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और इसका इंटरफेस बिल्कुल यहाँ पे चेंज हो चुका है। 3-डॉट ऑप्शन में आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और इसके अंदर जो फाइल का भी लोगो है वो भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे देखिए जो डाउनलोड का लोगो है यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा ट्रिक मार्क देखने को मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स का आपको लोगो देखने को मिल जाएगा और उसके साथ साथ जो भी एप्लीकेशन अगर आपका डिवाइस में है तो एप्लीकेशन का जो अलग फाइल है वहां पे आपको एप्लीकेशन का लोगो देखने को मिल जाएगा। ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो आपको पसंद है या फिर नहीं आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। फाइल मैनेजर का लुक है Realme UI 5.0 बिल्कुल में चेंज हो चुका है। दोस्तों उसके बाद चलता है फोन मैनेजर की तरफ। फोन मैनेजर का लुक भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। आप देख लीजिए इसका जो फर्स्ट पेज का जो इंटरफेस है आपको सेम टू सेम देखने को मिलता है। लेकिन नीचे में आप देखिए यहाँ पे डायनामिक इंजन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख लीजिए ये आपको एक न्यू फीचर्स देखने को मिलेगा। इसका जो एनिमेशन है बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद आ रहा है। देखिए जस्ट सिंपली मैं यहाँ पे ऑप्टिमाइज ऑप्शन में क्लिक किया, देखिए इसका जो इंटरफेस है बहुत ही एट्रैक्टिव है। और नीचे में देखिए स्कैन हो रहा है, मतलब आपका डिवाइस का जो स्कैनिंग है वो बहुत ही ज्यादा फर्स्ट अप से होगा Realme UI 5.0 अपडेट के बाद। ये मुझे एक न्यू फीचर्स मिला है, बहुत ही ज्यादा काम का है। आप इसका विजेट के थ्रू होम स्क्रीन में भी ऐड कर सकते हो। कैसे करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फोन मैनेजर का जो लुक है वो भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए टूल्स में आपको सेम टू सेम फीचर्स देखने को मिलेगा। डाटा यूजेस में आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। वायरस स्कैनिंग भी आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक न्यू फीचर्स ऐड किया जा रहा है फाइनली। तो उसके बाद चलते हैं गेम स्पेस की तरफ। पहले उसका भाषण चेकआउट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा गेम स्पेस। आप सबसे पहले इसका भाषण देख लीजिए, 5.6.0 आपको लेटेस्ट भाषण देखने को मिलेगा। और इसका इंटरफेस भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो Realme UI 5.0 का जैसे आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। यहाँ पे कुछ न्यू फीचर्स आया है। जो गेम का टूल है वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। लेते हैं दोस्तों देखिए इसका जो इंटरफेस है आपको कुछ इसी तरह देखने को मिल जाएगा। नीचे में देखिए आपको वॉइस चेंजर का फीचर्स है। तो वॉइस चेंजर ऑप्शन में आपको बहुत
बहुत सारे न्यू वॉयस भी यहाँ पे ऐड किया जा रहा है। नीचे में देखिए ये कुछ न्यू वॉयस भी आया है। उसके अलावा आप नीचे में देखिए आपको कॉल ब्लॉकर का ऑप्शन है, नेटवर्क ऑप्टिमाइज का ऑप्शन है, सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको। बहुत सारे न्यू फीचर्स भी आया है गेम्स टूल्स में रियलमी वाई 5.0 अपडेट के बाद रियलमी नार्जो 60 डिवाइस। दोस्तों उसके बाद कुछ और सिस्टम एप्लीकेशन देख लेते हैं जो चेंज हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं वेदर एप्लीकेशन की तरफ। आप यहाँ देख सकते हो वेदर एप्लीकेशन में आपको छोटा छोटा चेंज भी इधर देखने को मिल जाएगा। इतना ज्यादा मेजर चेंज नहीं हुआ है लेकिन कुछ आपको छोटा छोटा चेंज इधर देखने को मिल जाएगा। नीचे में देखिए सनसेट टू सनराइज के जो ऑप्शन है, यहाँ पे जो इंटरफेस में आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिल जाएगा। जो वेदर का जो क्लाउड है पीछे की तरफ ये भी आपको थोड़ा सा ही चेंज देखने को मिलेगा। इतना ज्यादा यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। और उसके बाद गाइस यहाँ पे चलता है थीम स्टोर की तरफ और थीम स्टोर का भी आप इंटरफेस देख सकते हो। आपको कुछ नया थीम भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको फॉन्ट का देखने को मिल जाएगा ऑप्शन, वॉलपेपर लाइव वॉलपेपर, यहाँ पे वीडियो रिंगटोन का ऑप्शन है। आपको कुछ न्यू फॉन्ट, न्यू वॉलपेपर, न्यू थीम भी देखने को मिल जाएगा रियलमी वाई 5.0 अपडेट के बाद थीम स्टोर एप्लीकेशन में। तो और कुछ न्यू फीचर्स देख लेते हैं जो रियलमी वाई 5.0 के साथ मिलता है। दोस्तों हो रहा है यहाँ पे गैलरी एप्लीकेशन में, आप देख सकते हो गैलरी एप्लीकेशन में फोटोज में आप देखिए यहाँ पे ईयर मंथ डे और ऑल का न्यूली एड किया जा रहा है। ये आपको फाइनली रियलमी वाई 5.0 के साथ देखने को मिलेगा। कुछ तो न्यू फीचर्स आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पे ईयर में क्लिक करने के बाद आपका डिवाइस में इस ईयर में या फिर जितने सारे ईयर्स में आपका डिवाइस में कुछ भी फोटो अगर है तो आप उसको कैटेगरीज वाइज देख सकते हो। उसके बाद मंथ का ऑप्शन है, डे का ऑप्शन है और ऑल का ऑप्शन है। कुछ इसी तरह आप डे मंथ और ऑल ऑप्शन में क्लिक करके कुछ भी फोटो को बहुत ही इजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये आपको कुछ न्यू फीचर्स देखने को मिलेगा गैलरी एप्लीकेशन में। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं कैमरे की तरफ। आप यहाँ पे देख लीजिए कैमरा एप्लीकेशन में आपको कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। आपको सेम टू सेम इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे चलते हैं गाइस सेटिंग की तरफ। सेटिंग में देखिए आपको ऐसे कुछ भी सेटिंग न्यूली ऐड नहीं किया जा रहा है। आपको सेम टू सेम यहाँ पे सेम टू सेम देखने को मिलेगा जो रियलमी वाई 4.0 ही जैसे देखने को मिलता है। दोस्तों रियलमी वाई 5.0 अपडेट के बाद आपको रियलमी वाई 5.0 का जो आइकॉन पैक है वो भी नहीं आया है। आपको सेम टू सेम रियलमी वाई 4.0 जैसे आइकॉन देखने को मिलेगा और आइकॉन का जो इंटरफेस है आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो आइकॉन में यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया है। आपको सेम टू सेम रियलमी वाई 4.0 जैसा ही लुक देखने को मिलेगा। आपको देखिए यहाँ पे एडोब सिस्टम कलर्स का जो ऑप्शन है वो भी आपको अभी भी रियलमी वाई 5.0 के साथ बीटा ऑप्शन में ही देखने को मिलता है। अभी भी स्टेबल नहीं हुआ है। आपको आइकॉन में भी कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलता है रियलमी वाई 5.0 अपडेट के बाद रियलमी नार्जो 60 डिवाइस में। दोस्तों न्यू फीचर्स आया है स्मार्ट साइड बार में। आप यहाँ पे देख लीजिए स्मार्ट साइड बार का जो लुक है यहाँ पे चेंज हो चुका है। देखिए बिल्कुल ऊपर में आपको फाइल डॉक का ऑप्शन है और रिसेंट फाइल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है रियलमी वाई 5.0 के साथ। ये मुझे एक बेहतरीन फीचर्स लगा है रियलमी वाई 5.0 अपडेट के साथ। दोस्तों रियलमी वाई 5.0 अपडेट के बाद डिवाइस बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो चुका है। ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही स्मूथ हो चुका है। इसका एनिमेशन भी आपको कुछ अलग देखने को मिल जाएगा। ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग एनिमेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही मस्त हो चुका है। इसका एनिमेशन भी आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो डिवाइस बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो चुका है। दोस्तों ये रहा रियलमी नार्जो 60 डिवाइस का रियलमी वाई 5.0 के बाद कुछ न्यू फीचर्स। और आपको कौन सा फीचर्स पसंद है आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। लेकिन जितने सारे न्यूज आया है, जो भी लीक आया है रियलमी वाई 5.0 का जो स्टेबल अपडेट आएगा उसके बाद इसका जो नोटिफिकेशन पैनल है वो शायद चेंज हो सकता है। लेकिन सब कुछ लीक है और रियलमी वाई 5.0 का जो लोगो है वो भी अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है। तो यार आज का वीडियो इतना ही था। शायद आपको वीडियो पसंद है और आपका कौन सा फीचर्स पसंद आ रहा है आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो यार मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक टाटा गुड बाय, जय हिंद।